68वें नेशनल फिल्म अवार्ड की घोषणा की गई है और इस बार नेशनल अवार्ड एक नहीं बल्कि दो दो स्टार्स को मिला है, जिसमें तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए अजय देवगन और सोरा रई पोट्रू के लिए साउथ स्टार सूर्या ने बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड जीता है और बाकी फिल्मों को पीछे छोड़कर अपनी एक अलग जगह बनाई है। सूर्या की फिल्म सोरा रई पोट्रू ने ऑल टाइम एंटरटेनिंग फिल्म का अवार्ड भी जीता है। वहीं बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड फिल्म तुलसीदास जूनियर को मिला है। बताते चलें कि अजय देवगन की फिल्म तानाजी साल 2020 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने अपना जादू चलाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया था और फिल्म जगत में एक नई पहचान बनाई थी। इस दौरान अभिनेता अजय देवगन बेहद खुश दिखे। उन्होंने इसके लिए तानाजी द अनसंग वॉरियर की पूरी टीम को शुक्रिया कहा। खास बात यह है कि यह अजय देवगन की 100वीं फिल्म थी जिसमें उन्होंने तानाजी का किरदार निभाया था। फिल्म में उनके साथ उनकी रियल वाइफ काजोल भी लीड रोल में थी। फिल्म में उन्होंने तानाजी की पत्नी का किरदार निभाया था। यही नहीं, इस साल लगभग 300 फीचर फिल्में और 150 नॉन फीचर फिल्में नेशनल फिल्म अवार्ड में भेजी गई थी। इसमें 30 अलग अलग भाषाओं की फिल्मों को शामिल किया गया था, लेकिन अजय देवगन और सूर्या को बेस्ट एक्टर के लिए चुना गया। ये बॉक्स ऑफिस पर भी ब्लॉकबस्टर साबित हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज़।